नमस्कार दोस्तों, फाइनली फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल बोनांजा सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि दोस्तों काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे। और दोस्तों इस सेल को आप रक्षाबंधन सेल भी कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो सेल है ये रक्षाबंधन पे स्टार्ट हुई है। फिलहाल दोस्तों इस सेल में आपको क्या क्या ऑफर देखने को मिलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेल आती है उसमें दोस्तों हमें भर भर के ऑफर दिखाए जाते हैं। बट दोस्तों इस सेल में दोस्तों जो ऑफर मिल रहे हैं उनमें दोस्तों 3-4 स्मार्टफोन ऐसे हैं जो आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको उन्हीं फ़ोन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको कौन से वो 3-4 स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे दोस्तों आपके पैसे वेस्ट ना आए और आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सको। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जियो सेल है ये दोस्तों मोबाइल बोनांजा सेल, जो कि दोस्तों 19 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और ये दोस्तों 23 अगस्त तक चलने वाली है। अब दोस्तों इसमें बैंक ऑफर की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको बैंक ऑफर तभी मिलेगा जब दोस्तों आप कोई भी स्मार्टफोन EMI पर खरीदना चाहोगे। अगर दोस्तों आप कोई स्मार्टफोन कैश खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इसमें आपको कोई बैंक ऑफर नहीं मिलता। और अगर दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन स्मार्टफोन EMI पर लेते हो तो दोस्तों HDFC बैंक के कार्ड के ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों 10% का नहीं है, सिर्फ 5% का है। दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 3-4 स्मार्टफोन कौन से हैं जो आपको इस सेल में अच्छे मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ वो मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गलेक्सी F62। दोस्तों ये फ़ोन वैसे 22-23 हज़ार रुपये का मिलता है, बट अभी ये आपको मिल रहा है इस सेल के अंदर 20 हज़ार रुपये का। और वहीं दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को HDFC बैंक कार्ड से EMI पर खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 19 हज़ार रुपये का मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 3100 रुपये की EMI पे करनी है 6 महीने तक। दोस्तों आपको इसमें डबल फ़ायदा मिलेगा कि एक तो आपको पैसे कैश में नहीं देने और दूसरा दोस्तों आपको EMI पर 1000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये पहला फ़ोन है। अगले फ़ोन की बात करता हूँ दोस्तों, तो वो दोस्तों रियलमी नार्जो 30 प्रो, जो दोस्तों एक 5G फ़ोन है। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में 16 हज़ार रुपये का मिल रहा है, बट दोस्तों 16 हज़ार रुपये का। बट दोस्तों अगर आपको इस EMI पे इसे खरीदते हो तो इस पर भी दोस्तों आपको 800 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 15,200 रुपये तक का पड़ जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये Realme का एक 5G फ़ोन है। दोस्तों अगला फ़ोन है दोस्तों Realme 7 Pro, जो दोस्तों Realme तरफ से एक 4G फ़ोन है, बट वो अभी आपको मिल रहा है इस सेल के अंदर सिर्फ 16,000 रुपये का। दोस्तों Realme 7 Pro फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसका 6GB और 128GB वाले वेरिएंट आपको 16,000 रुपये का मिल रहा है इस सेल के अंदर। और अगर आप इसे EMI पे खरीदते हो HDFC बैंक कार्ड से तो इस पर भी दोस्तों आपको 800 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको सिर्फ 15,200 रुपये तक का पड़ सकता है। दोस्तों 15,200 रुपये में वो भी दोस्तों आपको ये पैसे देने हैं किस्तों में, तो इतने रुपये में दोस्तों ये काफ़ी अच्छी डील है अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो जो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी हो 15-16 हज़ार रुपये की रेंज में, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि वैसे इसकी प्राइस 20 हज़ार रुपये होती है, बट ये आपको मिल रहा है सिर्फ 15,200 रुपये में बैंक ओवर लगाने के बाद। अगला फ़ोन है दोस्तों फिर से सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी F41। दोस्तों इसकी प्राइस है 14,500 रुपये इस सेल के अंदर, बट दोस्तों अगर आप बैंक ओवर लगाते हो EMI पे लेते हो तो ये फ़ोन आपको सिर्फ पड़ जाएगा दोस्तों 13,000 रुपये से ऊपर, 14,000 से कम कीमत में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे बात खास बात इसकी फ़ोन की ये है कि इसमें आपको मिलती है सुपर AMOLED डिस्प्ले प्लस 206,000 mAh की बड़ी बैटरी। तो जिन लोगों का दोस्तों नॉर्मल यूज है, जिनको हैवी गेमिंग नहीं खेलना होता, हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करनी होती, वो लोग इस फ़ोन पर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बड़ी बैटरी तो मिलती है, साथ ही दोस्तों आपको मिलता है सैमसंग का सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मल मल्टीटास्किंग करने में, नॉर्मल गेमिंग करने में। दोस्तों यही 3-4 फ़ोन थे जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो तो आप इनमें से कोई सा फ़ोन ले सकते हो। और दोस्तों जितने भी फ़ोन हैं जी आपको सिर्फ सेल के अंदर इतने प्राइस मिल रहे हैं EMI के ऊपर, अगर आप इसे सेल के बाद खरीदते हो इनमें से कोई सा फ़ोन, तो सबकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बैंक ऊपर जो मिलता है वो भी नहीं मिलता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आगे जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।